चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रास्ता बहुत ही कठिन होता है कभी कभी ये रास्ता दुखदाई भी हो जाता है जिससे हम रास्ता भटक जाते हैं और लक्ष्य की तरफ बढ़ने के बजाय आसान रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं जो इंसान मुश्किल रास्तों को अपनाते हुए हर एक दुखों को सहन करते हुए कांटों पर चलते समय अगर अपना दुखदाई रास्ता नहीं छोड़ता है तो वो अवश्य ही लक्ष्य प्राप्त करता है आपका भी लक्ष्य डॉक्टर बनना है और इस समय जो आपको बाधा आ रही है वो ये है कि कोविड नाइन्टीन के चलते आपकी स्टडी इफेक्ट हो रही है लेकिन आपको इस बाधा को भी पार करना है आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है और इस लक्ष्य को पाने के लिए चाहे मेरे को कितने भी कष्ट झेलने पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं। अभी आपके पास सिर्फ फोर्टी फाइव डेज का समय बचा है और यही समय है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने का दोस्तों ये इंसान की फितरत है कि अगर उसने ठान लिया कि ये काम करना ही है चाहे वो उसके बस का है या नहीं है फिर भी उसको कर डालता है मगर उसने थोड़ा सा भी नेगेटिव सोच लिया कि ये काम बाद में करेंगे या फिर इस काम में करने में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका न करने के बहाने निकालते हुए उसको टाल देते हैं अभी ऐसा ही नीट एक्सप्रेंट के साथ हो रहा है जिन स्टूडेंट ने ये ठान लिया कि मेरे को तो डॉक्टर बनना ही है वो तो बिना डिस्टर्ब के स्टडी करता रहता है और वो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और नी ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद उसका सिलेक्शन एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा और एक अच्छा डॉक्टर बनेगा लेकिन जो स्टूडेंट डॉक्टर तो बनना चाहते हैं मगर उनके पास मेहनत न करने के हजार बहाने हैं वो बहाने इस प्रकार से हैं कि अब तो डेट अनाउंस तो हो चुकी है मगर एनटीए एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाएगा केसेज इतने बढ़ रहे हैं तो इस केसेस इतने बढ़ने के कारण एग्जाम पोस्टपोन्ड होना तो चाहिए ही बस दिन भर यही सोच सोच कर स्टडी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और ये सोचते रह जाएंगे और एक दिन नीट एग्जाम हो जाएगी तो अगर आप भी रास्ता भटक गए हैं तो स्टडी आपका भी स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है इस प्रकार का बहाना ढूंढ रहे हैं तो अभी लौट आओ रास्ते पर अभी भी समय है आप रास्ता भूल गए हैं तो आपको फिर रास्ते पर आना होगा रात का भटका हुआ अगर सुबह घर लौट आता है तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं अगर आपकी स्टडी सही चल रही है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है आपको अवश्य ही अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगी वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा आज से अपने स्टडी में इम्प्रूव करो अगर आप एट हावर्स की डेली स्टडी कर रहे हैं तो ट्वेल्व हावर्स की स्टडी करना शुरू कर दो दोस्तों पढ़ने से कोई परेशान नहीं होता है ये तो हमारी मानसिकता ही बन जाती है कि मैं तो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है पढ़ो बार बार पढ़ो आपके स्कोर में अवश्य ही इम्प्रूवमेंट होगा और ये दुनिया सफल इंसान को ही सलाम करती है असफल का तो मज़ाक बनाती है तो अपने और अपने पेरेंट्स का मजाक न बनने दें अच्छी मेहनत करें आप अवश्य ही सफल होंगे बेस्ट ऑफ लक